सो हेलो गाइस गाइस, कल 31 मार्च को क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर था। उससे दो दिन पहले मैंने उनको एक पेपर की वीडियो बना के समझाया कि भाई आपका कैसा पैटर्न आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो है आ सकते हैं। उसके बाद उनका पेपर गाइस इतना अच्छा हुआ कि आप लोग उनका जो रिस्पॉन्स है वो मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो यार आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का भी वैसे ही समझाने वाला हूँ कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप देखिए, हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर मैंने डाउनलोड कर लिया है, सैम्पल पेपर। ठीक है, देखो यार मैं ये नहीं बताने वाला कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैटर्न समझ गए तो आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली गाइज, क्योंकि आपके सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर दोनों सेम पैटर्न पर ही यहाँ पर जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट कुलाम सलाइन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। अब यहाँ से एक चीज़ पकड़ो आप लोग, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि भाई जितने भी लॉज हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट कुलाम सला पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो भी और भी लॉज बच गए हैं वो सारे के सारे रट लीजिए। जैसे कि गॉस थ्योरम है, गॉस ला है, ठीक है, वो भी आप रट लीजिए। हो सकता है यहाँ पर सैम्पल पेपर में कुलाम सला पूछा गया है, पेपर में आपसे गॉस ला पूछ लिया जाए, समझ गए। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, वो है यहाँ पर आपका LCR सर्किट जो है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूछा गया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं वो आपको पता है, तो अब यहाँ से पैटर्न क्या पकड़िए आप लोग कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि वेव्स वाला जो चैप्टर है आपका, उसकी जितनी भी यहाँ पर वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, इन्फ्रारेड हो, एक्सरेज हो, उन सभी के बारे में आपको जो है पढ़ लेना है। ठीक है, समझ गए, यानी कि सैंपल पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पूछा है, सो हो सकता है पेपर में यहाँ पर एक्सरेज के बारे में पूछ ले, इन्फ्रारेड के बारे में पूछ ले। समझ पा रहे हो ना किस प्रकार से बता रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चंस को देखो सैंपल पेपर में, फिर समझो कि भाई ये क्वेश्चन है, इसके जैसा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और इसी टॉपिक से। ठीक है, यही होता है भाई समझने की चीज़। इसके बाद देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, राइट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो है रिपीट हो जाए, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि भाई डेरिवेशन समझ में नहीं आते, इतने लंबे लंबे डेरिवेशन है क्या करें। तो देखो यार डेरिवेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी आपके सैंपल पेपर में डेरिवेशन आ रहे हैं एक तो वो कर लेना, ठीक है। दूसरा, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में डेरिवेशंस पूछे गए हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, समझ गए। यानी कि एक तो ये सैम्पल पेपर है जो आपका वेबसाइट पे आया हुआ है, इसके डेरिवेशंस प्लस आपको 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर के जो डेरिवेशन हैं उनको अच्छे से कर लेना है, और उनके जैसे डेरिवेशंस हैं उनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, टॉपिक को पकड़ा करो कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, तो 100% पॉसिबिलिटी होती है कि उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर जो आता है बोर्ड में उसमें भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह का क्वेश्चन है, तो ऐसा भी यहाँ पर देखिए गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी है आपको। तो गॉस थ्योरम हुई, जितने भी यहाँ पर थ्योरम्स है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, उनके बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं, समझ गए। जैसे कि हाइजेंस प्रिंसिपल है, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे उसका भी क्वेश्चन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट गिविंग नेसेसरी सर्किट डायग्राम। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जितने भी लॉ हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी थ्योरम है, फिर से आ गया एक लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। और गाइस किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखिए आपके पेपर में हो सकता है कि भाई यहाँ पर कुलाम्स लॉ है, या फिर एम्पियर सर्कुटल्स लॉ है वो पूछ लिया जाए, बायो सेवर्ट्स लॉ है वो पूछ लिया जाए, ठीक है, ओम्स लॉ पूछ लिया जाए। तो यानी कि एक बार अगर आप पैटर्न को पकड़ गए ना कि भाई एग्जामिनर किस पैटर्न पे पेपर बना रहा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, टॉपर्स जो होते हैं वो और क्या करते हैं भाई, यही करते हैं। देखिए टॉपर्स से जब उनके इंटरव्यू होते हैं तो वो सारी बातें बता देते हैं, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो वो फिर अगर बता देंगे तो फिर सभी टॉपर बन जाएंगे। तो वो यही है कि भाई वो है जो आखिरी टाइम में क्या करते हैं, सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करके इसके जैसे जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो ईडी करंट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जा सकता है कि भाई ईडी करंट कौन सा होता है, ये क्या होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करंट तो आई थिंक डिलीट कर दिया है, तो ईडी करंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो हाइड्रोजन सीरीज वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, लाइमन बाल्मर सीरीज वाले वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए पीएन जंक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो ये जो होते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपके जो है सर्किट डायग्राम के ऊपर भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन हिंस डिफाइन 1 एम्पियर। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, लेकिन यहाँ पर अपोजिट की जगह सेम डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो, यानी कि क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जा सकता है, ओके। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गाइज कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, टेलीस्कोप जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट में, व्हाट इज वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, आ गया ना, देख लीजिए। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, थ्योरम है, इनको तो आपको जो है रट लेना है, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 10-12 नंबर का काम बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे फर्स्ट पेपर के बारे में सारा का सारा, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस सैम्पल पेपर में, वो क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से उठाए गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये है कहने का ओवरऑल मतलब, समझ गए, उनके जैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। पूरा टाइम वेस्ट करने का नहीं है कि भाई पूरी बुक उठा ली सारे ही करने लगे, नहीं, एक दो दिन का टाइम रहता है पेपर के बीच में, ठीक है। तो दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करनी है। अब देखो सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, सेकंड पेपर में आपके MCQ आते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सारे के सारे तो नहीं बता सकता कि भाई 40 के 40 MCQ आपको बता दूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपके MCQ देखिए कैसे होंगे। यहाँ पर देखिए, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यानी कि ये जो टर्म्स होती हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है, इंडक्टेंस, इनकी जो यूनिट है, वो सारे के सारे जितनी भी टर्म है आपके सिलेबस में उनकी यूनिट्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो एक दो क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलेंगे, समझ गए, यानी कि जो भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा वो पास तो हो ही जाएगा आराम से। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है आपके फॉर्मूले के क्वेश्चंस भी आते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के MCQ के लिए उनको याद कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी इज। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का है, समझ पा रहे हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स की यूनिट्स हैं वो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लीजिए, फिर जो है आपके MCQ वाले पार्ट में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लेंज लॉ से एक क्वेश्चन आ गया है, यानी कि अगर आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जितने भी लॉ हैं वो पढ़ लेंगे तो आपके MCQ भी उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेंज लॉ का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। इसके बाद देखिए मिरेज इज ए फिनोमिना ड्यू टू, अब ये क्वेश्चन तो 9th 10th में भी आता है, ठीक है, वो हिरन वाला, समझ पा रहे हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी आप देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। और देखो यार एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, फिजिक्स के ऊपर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। उस वीडियो के अंदर आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं, समझ गए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आपको जाकर चेक करनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आप देख पा रहे हो जितने भी यहाँ पर आपके सामने चल रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पर जो है सारे के सारे का कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। हाँ एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं अजीब तरीके से पूछे गए हों, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो गाइस ये सारे के सारे आपको कर लेने हैं। और हाँ फिजिक्स में देखिए डायग्राम मेरे सामने आ गए, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन करो उसके अंदर डायग्राम अगर है और आपने नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो 19 का क्वेश्चन फिर से आ गया, वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, यानी कि ये जितने भी यूनिट वगैरह है ना भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे की सारी पढ़ मारो, ठीक है, समझ गए, जितने भी यूनिट्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, सारे की सारी यूनिट्स याद कर लो। इसके आगे देख सकते हो आप यहाँ पर, करंट थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज द नेट करंट पासिंग पर यूनिट थ्रू द एरिया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब बस यही है गाइस कि आपको जो है 2-3 चीज़ें याद रखनी है फिजिक्स के पेपर में, जो यहाँ पर फिजिक्स की इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो यही है कि सबसे पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी बन सकता है डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें भी बन सकता है आप लोग बना सकते हो, आपकी समझ है तो आप डायग्राम ज़रूर बनाइए, क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। दूसरा जितने भी प्रीवियस ईयर के डेरिवेशन है वो कर लीजिए, तीसरा यहाँ पर फॉर्मूले याद कर लीजिए, यूनिट याद कर लीजिए, और एक वीडियो मैंने बनाई हुई है उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, ये काम कर लीजिए, 90% नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले,
90% प्लस नंबर आपके जो है फिजिक्स के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, वो भी जाकर देखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।